दविंदर बजाड़ जी है जिहड़े कि बहुत बड़ी NGO चलाउंदे ने ते अज उन्हां वल्लों भी समर्थन दिता गया इस धरने दे विच आ के होमगार्ड नूं कर्मचारियों वल्लों। सर की थोड़ा कहना है इस धरने दे संबंध? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं बड़ा साधुवाद करता हूँ कि आप लोग गंभीर मसलों को जनता तक पहुँचाते हैं। देखिए, आज होमगार्ड्स का एक धरना था सोलखिया टोल प्लाजा पर, इसका समर्थन करने हम लोग आए थे। मैं खुद भी एक पुलिस परिवार से जुड़ा हूँ, बहुत मुद्दत के साथ पुलिस के साथ काम करता हूँ। इनकी जो अंदरूनी समस्याएं हम लोग जानते हैं, पंजाब देखिए आतंकवाद का दौर रहा है, होमगार्ड की कितनी शहादतें हुई हैं, लेकिन इन लोगों को पुलिस के बराबर कोई अधिकार नहीं मिल पाते, इनको कोई पेंशन नहीं है, बेचारे अपने हकों की लड़ाई लड़ते हैं। तो उसी को समर्थन देने हम यहाँ पर पहुँचे थे और इनकी मांगे बिल्कुल माकूल है, बिल्कुल जायज़ हैं। और CM साहब से हमने ये बात कही है कि CM साहब एक जन लहर से उठ करके CM बने हैं, उनको पता है, अन्य लोगों को पक्का कर रहे हैं, तो इनकी मांग भी सुनी जाए और इनको जो भी इनकी माकूल मांगे हैं, जायज़ मांगे, उनको पूरा किया जाए। और आज SSP विवेकशील सोनी साहब ने आकर के इनको आश्वासन दिया है कि वो भी साथ चलेंगे और उनका जो भी मांग है वो CM साहब तक रखेंगे। तो हमने फिलहाल ये धरना हटा दिया, लेकिन उसके बावजूद भी इन लोगों ने बड़े अनुशासन के साथ काम किया है सारा, और उसके बाद एमरजेंसी व्हीकल को भी रास्ता दिया है, उसके लिए इनको सलूट करते हैं। और इनकी अगली जो भी डिमांड होगी, अगली जो भी धरना होगा, हम उसमें समर्थन का जरूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बिल्कुल जी, देखते हैं कल का धरने के बाद, कल की मीटिंग के बाद की होता है।